ओके एवरीवन, सो माय नेम इज आवर्ट एंड ब्रो, आज अपन दो इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। पहला काम ये है भाई, अपना मॉन्स्टर ट्रक को लाने वाले हैं एंड दूसरा काम है भाई, नई गाड़ी खरीदने वाले हैं। आ जाओ एक बार। ओके ब्रो, तो तुम देख सकते हो भाई, मैं आया हूँ 24/7 सुपर मार्केट पर एंड तुम्हें भाई ये भी पता होगा कि अपन यहाँ पे आते क्यों है। भाई अपन आते हैं यहाँ पे बस एकमात्र, ये देख रहे हो तुम पीछे खड़ा है, ये इतनी भोली शक्ल बना के खड़ा है ना भाई, सच बता रहा हूँ यार, इस बंदे के लिए मतलब इस चौक के लिए अपन यहाँ पे आते हैं भाई, इसको पेडिग्री खाना होता है, ठीक है ना। तो भाई काम करते हैं ब्रो, पेडिग्री लेता हूँ मैं, इसके बाद में तुमसे मिलता हूँ। ले ले भाई चौक पास तेरा देना, चल लूट ले पूरे स्टोर को, चल। ओके सर, बाय बाय यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, ठीक है ना भाई। तो अंकल जो है इन्होंने अपनी कार जो तुम देख रहे हो सामने की तरफ इसमें पेडिग्री रखवा दी है एंड अगर ब्रो तुम्हें नहीं पता ये कार कौन सी है तो भाई तुम बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये है ब्रो अपनी मैक्लेरन P1 GTR, या तुम बोल सकते हो भाई उफ रेसिंग कार, ठीक है ब्रो। ये अपनी रेसिंग कार है, तुम्हें देख रहे हो भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कार है यार, ये पूरे लॉस सैंटोस में है ब्रो ये, एंड इसकी प्राइस भाई मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कितनी है क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है यार, मतलब मेरे को पता नहीं भाई, मैं चोरी करके लाया हूँ उस कार को यार भाई, लेकिन बहुत महंगी कार है, ठीक है ना भाई, पूरी रेसिंग कार है। अभी अंदर बैठते हैं इसके अपन एंड टैक्सी वाले मारेगा क्या भाई यार, आराम से चला ले थोड़ी सी, चॉप चल बैठ जा अंदर आ जा। ओके ब्रो, तो चॉप बैठ चुका है अपने साथ में एंड भाई गेट भी लगा ले, वाह तुम देख रहे हो भाई कितना होशियार है अपना चॉप, अपना गेट लगा लेता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मैं तुम्हें जैसे बोल रहा था ना भाई, अपनी जो ये मैक्लेरन P1 GTR है बहुत महंगी गाड़ी है, उसका रीजन तुम देख रहे हो अभी भाई, क्या भगती है ना ये कार, ब्रेक भाई मैं बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ उसको, इसलिए मेरे को आदत नहीं है, ठीक है ना। आज तो तुम ये देखो ब्रो, ये है इंटीरियर, ठीक है ना, इस कार का, अपनी रेसिंग कार का। तुम देख सकते हो भाई, कोई नॉर्मल इंटीरियर नहीं है, कोई आम इंटीरियर नहीं है जो तुम हर कार में देखते हो, है ना। एंड देख रहे हो भाई कितने तामझाम में बटन वगैरह लगा रखे हैं, क्यों चॉप, सही बोल रहा हूँ ना मैं भाई, चॉप के आज मजे आ रहे हैं भाई, वो बाहर देख रहा है, ठीक है ना, उसको डिस्टर्ब मत करो अभी तुम। ओके भाई, बंदा लगा हुआ है फुल। ये देखो ब्रो क्या दिखती है ना यार ये कार, रेड एंड व्हाइट कलर में भाई, काफी लाना लुक्स है इसके, ठीक है। एंड अभी अपन जा रहे हैं ब्रो अपने एक्लिप्स शॉप पर, ठीक है ना, बिकॉज वहां पे अपने को जाना है, अभी चॉप को अपन अपने छोड़ देंगे, उसके बाद में भाई कुछ पैसे लेने हैं वहां से, है ना। एंड यार मैंने आज देखा भाई मेरे बैंक अकाउंट में बहुत ही ज्यादा कम पैसे बचे हैं यार, मतलब मैं तुमको बताऊंगा भाई एक्जैक्टली कितने पैसे बचे, तुम दिक्कत मत करो अभी, ठीक है। बट पहले अपने पास जो घर पे कैश पड़ा है ना उसको अपन निकालते हैं, ठीक है, एंड उसको लेके जाएंगे भाई बुल्ला के पास, रीजन क्या है वो मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो उस कार को अपन भाई रख देते हैं यहाँ पे, खड़ी कर देता हूँ, ठीक है, नीचे की तरफ ही। एंड अभी अपन चलते हैं अपने घर पे। ओके ब्रो, तो अभी अपन आ चुके अपने घर पर, है ना। एंड कहाँ पर गया भाई चॉप, मैं तुम्हें बताता हूँ, देख रहे हो तुम, ये देखो भाई यहाँ पे खड़ा है चॉप, वापस खाने के लिए आ चुका है यार, खैर इसको छोड़ो, अभी अपने को अपने नीचे वाले कमरे से ना भाई कुछ पैसे निकालने हैं एंड उनका अमाउंट है भाई $2 million, है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा भाई एक्जैक्टली अपन क्यों ले रहे हैं। एंड ये रहे यार इस बैग के अंदर पैसे, ठीक है, इस बैग को लेता हूँ। ओके ब्रो, तो अपन ने बैग ले लिया, ठीक है भाई, सारे पैसे इसके अंदर है, $2 million मैंने कल रात को गिन लिए थे यार, इनको अभी अपन लेके जा रहे हैं भाई बुल्ला के पास में। उसका रीजन ये है ब्रो कि अपन लेने वाले एक नई कार, मैंने तुमसे इंस्टा पे पूछा है, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई एक्जेक्टली है क्या प्लान। ओके, तो भाई तुम्हें जैसे कि पता है कल अपने पास में आ गए थे भाई वापस से माइकल एंड लेस्टर, सब छूट के आ गए थे, ठीक है ना, बहुत ही खुशी का दिन था, तो मैंने डिसाइड करा था भाई कोई ना कोई नई गाड़ी लेते हैं। अभी अपने पास में क्या है ना भाई, मोस्टली जो भी कार्स है वो 2 सीटर है, ठीक है ना, 2 सीटर में बस मैं और चॉप ही जा सकते हैं, कुछ ही कार्स है जो 4 सीटर है। मैंने कहा भाई इस बार एक नई SUV लेंगे अपन, है ना भाई, नई SUV खरीदेंगे, वो भी ओरिजिनल बहुत महंगी वाली ब्रो। ओके, तो मैंने तुम लोगों से पूछा था इंस्टाग्राम पर, तो वहां पर जो तुम में से मैक्सिमम लोग वोट करोगे ना कार के लिए भाई, वो कार अपन खरीदेंगे। एंड दोनों कार्स भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लेवल पर लग्जरी है। ओके, तो उनके पैसे मैं देने जा रहा हूँ भाई अभी अपने बुल्ला को यार, बहुत दिन हो गए ब्रो बुल्ला से मिले एंड तुम्हें पता ही होगा भाई कि अपना PDM से कुछ खास बनती नहीं है सीमियन से, तो अपन जो भी कार मंगाते हैं ना भाई बुल्ला के थ्रू मंगवाते हैं। ओके, तो ब्रो अभी तक अगर तुम लोगों ने मेरे को वोट नहीं कराया ना भाई इंस्टा पर जाकर के, तो भाई वोट करो, बिकॉज मैं बोला ना जिस कार के ज्यादा वोट आएंगे ब्रो वो कार अपन खरीद लेंगे, है ना। एंड भाई धीरे धीरे अपन बहुत ज्यादा रईस तो हो रहे हैं, बट साथ साथ में मेरे को समझ में नहीं आया एक बात, मेरे पास कैश तो ऑल दो $2 million है, अभी $1 million घर पे भी पड़ा है, बट ब्रो जो भी बैंक में मेरे पास पैसे थे ना अराउंड भाई वो कुछ 60-70 million dollars, वो पता नहीं कहाँ चलेगा यार, है ना। एक तो ब्रो बहुत दिनों से ना ये बैंक वालों ने ग्रीस लगा रखा था मेरे बैंक अकाउंट में, जब भी मैं देखता था ना ब्रो हमेशा $2 billion बता रहा था, मैं कितना भी खर्च कर दूं हमेशा $2 billion बता रहा था, तो मैं से काफी लोगों ने कमेंट भी करे थे, तो मैंने भी सोचा भाई एक्जेक्टली हो क्या रहा है, तो मैं खुद गया ATM, वहां पे जाके जब मैंने चेक करा भाई तो बहुत ही ज्यादा कम पैसे अपने पास में, अराउंड $1100 बचे बस, मेरे को नहीं पता भाई कहां पे चले गए सारे पैसे, उसको अपन पार्क करते हैं पहले तो यहां पर। एंड मैं भी तुम लोगों को बताता हूं भाई मेरे अकाउंट में एक्जेक्टली पैसे कितने हैं, ठीक है भाई। फ्रैंकलिन गेट लगा दिया कहीं कोई चोरी करके ले जाएगा फिर रोता फिरेगा इधर उधर। एंड इधर चेक करते हैं भाई ATM में एक्जेक्टली मेरे पास पैसे कितने हैं। ओके, लार भाई डाल पिन डाल एंड अभी देखना भाई तुम, ये देख रहे हो भाई $1108 है बस अपने पास में ब्रो, मेरे को ना बताने में भी शर्म सी आ रही है भाई, अपन मतलब एक दिन ऐसा था अपन बहुत रईस बंदे थे, ठीक है ब्रो, लॉस सैंटोस के, अचानक से पैसे पता नहीं भाई कहाँ उड़ गए। एक तो मैंने इन बैंक वालों को बोल भी दिया है भाई कि मेरे जो भी पैसे गए ना तुम जल्दी से जल्दी देख लेना, अगर इन्होंने जल्दी कुछ नहीं करा ना भाई मेरे पैसे वापस नहीं दिए ना इनका बैंक लूट ले जाएगा।
भाई 1108 डॉलर का क्या मतलब है यार, मतलब इतने भी रख लेता भाई, इसको देख के कौन सा एहसान कर रहा है, इतना बड़ा है ना, इसको भी रख ले यार, 1100 डॉलर क्या होता है यार। वो तो अच्छा हुआ भाई कि अपने पास ऑलरेडी कैश पड़ा है 1 मिलियन डॉलर का, इसलिए अपने को दिक्कत नहीं आएगी इतनी, कुछ दिन काम चला लेंगे। एंड अब तो भाई लेस्टर भैया भी आ गए, तो चोरी चकोरी तो चलती रहेगी, ठीक है। जब अपन पहुंचने वाले भाई बुल्ला की दुकान पर है ना, इधर ही कहीं तो होती है उसकी दुकान, ये रही, अभी चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, ठीक है भाई, गाड़ी पार्क करते हैं। एंड अभी अपन आ चुके हैं भाई बुल्ला के शॉप पर, तुम देख रहे हो लॉस सैंटोस कस्टम। भाई इतने दिनों बाद में आया हूं ना बुल्ला से मिलने, मैं क्या बताऊं यार। ओके तो भाई बुल्ला ये रहा, तुम देख रहे हो सामने की तरफ खड़ा है ब्रो, एंड इसने अपने लिए कार तैयार कर रखी है, मैं तुम्हें बताऊंगा भाई एग्जैक्टली कार कैसी है, पहले बुल्ला से तो मिलने भाई। और बुल्ला ब्रो बहुत दिनों बाद में मिल रहा है यार, कैसा है ब्रो, क्या हाल चल रहे हैं यार। तो ब्रो तुम देख रहे हो मैंने सारे के सारे पैसे टेबल पर रख दिए, ठीक है ना, बुल्ला भी देख लेगा इन सबको। एंड अभी अपन देखते हैं भाई जीप को, बिकॉज मैंने ये कार मंगाई है भाई अलग से, ठीक है ना, अपने खरीदी नहीं है भाई, आज इसके लिए अरेंज करवाई है बुल्ला से अपन ने, ठीक है। एंड देख रहे हो भाई क्या लग रही है ना जीप ब्रो, मतलब रईस कारों का अलग लेवल होता है, मैं मानता हूँ भाई, लेकिन आज मैं पहली बार जीप को देख रहा हूँ, एंड मानना पड़ेगा भाई कितने मोटे मोटे टायर है ब्रो, अल्टीमेट यार, लग रहा है आज ही हाइक पे निकल जाऊँ उसको लेके, है ना, सब माइकल वगैरह बुला के यार। एक तो पेंट भी बहुत मस्त कर रखा है इसने ब्राउन कलर का ब्रो, बिल्कुल डेजर्ट वाली फील आ रही है मेरे को, है ना। अभी जीप के अंदर बैठते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, एंड देन मैं तुमको बताता हूँ ब्रो मैंने एक्जैक्टली ये क्यों मंगाई है, आगे क्या प्लान है अपना, है ना। ओके बुल्ला तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, पैसे गिन लेना भाई, कम ज्यादा हो तो मेरे को मत बोलना बाद में। तो तुम देख रहे हो भाई अपन अपनी P1 GTR को यहीं छोड़ रहे हैं, एंड इसको लेके जा रहे हैं अभी अपन। एंड ब्रो मेरे को ये काफी सही लग रही है, देख रहे हो तुम भाई दूर से क्या बिल्कुल मस्कुलर लग रही है ना दूर से, बहुत सही। तो अभी मैं तुमको बताता हूँ ब्रो कि अपन ने एग्जैक्टली ये कार मंगाई क्यों है। तो ब्रो तुम्हें याद है बहुत दिनों पहले, या मैं बोलूँ भाई बहुत सालों पहले ना, अपने पास में कार हुआ करती थी भाई, अपना मॉन्स्टर ट्रक, है ना ब्रो। तो ब्रो मैं ना एक टाइम पर उसको लेकर के गया था माउंट चिलियार्ड पर, एंड वो समय की बात है भाई जब अंडरवाटर माफिया अपना दुश्मन हुआ करता था, ठीक है ना, इतने दिनों पहले मैं लेके गया था उसको माउंट चिलियार्ड पर, एंड देन उसको लाना भूल गया भाई, उसके बाद में वो जो ट्रक है वो चोरी हो गया, फाइनली अब जाके पता लगा है भाई अपना वो ट्रक है कहाँ पे, ठीक है ना। एंड वो ट्रक भाई जो लेके गया था ना, वही आदमी है भाई जो तुम सोच रहे हो, जो हर वीडियो में आई जाता है कहीं ना कहीं घुस ही जाता है बीच में, वो आदमी है भाई बिग माफिया का बेटा। अब ब्रो मैं ना कभी भी नहीं सोच सकता हूँ कि ब्रो बिग माफिया का जो बेटा है वो अपना ट्रक चुराएगा भाई, एक ट्रक चुराने पर आ गया ब्रो, उसकी इतनी बड़ी पावर है पर ट्रक के चुराना है उसको। तो लमा ने अपने को बताया भाई एग्जैक्टली कि बिग माफिया का बेटा ही चुरा के ले गया है। एग्जैक्टली अगर तुम्हें पता हो भाई तो कई महीने पहले तक ना भाई बिग माफिया का बेटा जो है वो रेसर हुआ करता था, ठीक है ना, तो उसने अपना ट्रक चुराया, बिकॉज तुम्हें पता है भाई वो ट्रक ना बहुत ही अल्टीमेट है भागने में भी, अगर तुम देखोगे पावरफुल बहुत ज्यादा था वो, तो उससे ना भाई वो काफी ज्यादा ऑफ रोडिंग रेस जीत चुका है। एंड भाई अच्छी बात पता है क्या, अभी जब से उसका बाप मरा है ना बिग माफिया, उसके बाद से भाई उसने रेस करना बंद कर दिया है, एंड देन उसने अपना जो ट्रक है भाई वो बेच दिया है। एंड जिनको उसने अपना ट्रक बेचा है ना भाई, वो है द जन्मजात चू, उफ दी बेलास गैंग यार। अब मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई कौन है यार ये लोग, और क्यों है भाई, कहाँ से आते हैं ये लोग यार, आखिर उस ट्रक ने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का यार। वो बहुत ही छोटा सा चुन्ना सा मेरा ट्रक था, ठीक है ना, मेरा फेवरेट मॉन्स्टर ट्रक था भाई वो। तो खैर जो भी हो अभी अपने को पता लग गया है, ठीक है ना, एंड अभी अपन जा रहे हैं भाई अपने ट्रक को वापस लेने। एंड एग्जैक्टली भाई जो अपनी ये जीप है ना, इसका काम यह है कि आज ना उस ट्रक के साथ रेस करने वाले हैं भाई बेलास गैंग का कोई मेंबर है, ठीक है, वो तो अपन भी उस रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड जैसे भाई बहुत पहले अपन ने एक गाड़ी लेकर के आए थे ना ब्रो, मैं याद हो तो मैंने एक रेसर को मारा था, सेम वैसे प्लान मेरा आज भी है। एंड आज भी मैंने ये सोचा है भाई कि अपन जाएंगे रेस में, आधी रेस में मुझे ट्रक के अंदर ड्राइवर होगा उसको मार दूंगा, उसके बाद में ट्रक ले आएंगे, सिंपल है, ठीक है ना। मतलब आज कोई ज्यादा झंझट नहीं है, ना अपन कोई माफिया से भिड़ने वाले हैं, ना कोई पुलिस से भिड़ने वाले हैं भाई, आज अपन सीधे साधे तरीके से अपन ट्रक वापस ला रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, बहुत बकवास मान ली मैंने, ठीक है, रास्ते में अभी चलते हैं अपन जहाँ पर रेस होने वाली है। अभी टाइम क्या हो रहा है, तो एग्जैक्टली अभी टाइम हो रहा है ब्रो, तुम देख रहे हो 1:30 बज रहा है, रेस स्टार्ट होगी भाई 2 बजे, अपन पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। एंड भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आज इतने दिनों बाद में अपने ट्रक को देखूंगा ब्रो, मतलब अपना मॉन्स्टर ट्रक ब्रो, जिसको मैंने इतने प्यार से रखा था, उसका ब्लू कलर हुआ करता था, इतने बड़े बड़े टायर थे। ओके अपनी जीप भिड़ गई थी अभी, एंड जैसा मैं देख पा रहा हूँ ब्रो कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है जीप में। एंड अगर तुम्हें मैं इसकी पावर का परिणाम दूं ना भाई, तो तुम ये देख रहे हो इस गाड़ी को पिचका दिया है भाई अपनी जीप ने, तुम देख रहे हो ब्रो। तो तुमने देखा भाई अपन ने क्या टक्कर मारी ना उस गाड़ी को ब्रो, अपनी जीप को कुछ भी नहीं हुआ भाई, बुल्ला ना गजब की कार बनाता है यार, ठीक है। ओके ब्रो तो यार यही कहीं लोकेशन तो थी उस जगह की, एंड रेस किद, ओके तो शायद से भाई रेस यही हो रही है। एंड तुम देख रहे हो भाई यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर ट्रक है, ये कुछ कुछ अपने जैसा ही लग रहा है। एक काम करते हैं भाई, अपनी कार को अपने यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अभी अपन नजारा देखते हैं भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा कुछ इसकी गाड़ी में सही कर रहा है, शायद यही है रेसर ही रेस करेगा। ये बंदा कार में बैठ चुका है, एंड
इस बंदे ने झाड़ू क्यों पकड़ रखा है भाई? ये जो ट्रक है ना ब्रो, ये पक्का अपना ट्रक है। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई रीजन क्या है। तुम टायर देख रहे हो उस ट्रक के ब्रो, मॉन्स्टर ट्रक है। एक तो मॉडल सेम है ठीक है अपने वाला, एंड ब्रो टायर जो है ना एग्जैक्ट अपने पास भी यही थे। फर्क इतना है भाई, अपने वाले में ब्लू कलर के थे, ये क्रोम कलर के हैं। एंड भाई कलर पूरा बदल दिया गया है अपने ट्रक का, बिकॉज ये बैलास गैंग का है, तो देखो इन्होंने वायलेट कलर रखा है, समझ रहे हो तुम? मन तो ऐसे करा ना ब्रो, एक एक के खोपड़े में घुसेड़ दूं गोलियां ठीक है, बट ब्रो वैसे ही अपने पीछे पुलिस पड़ रही है, तो मैं नहीं चाहता ब्रो कि इस बार मैं सबके सामने ये क्राइम टाइप का करूं कुछ ठीक है। अभी एक काम करते हैं ब्रो, रेस तो करेगा ना ये बंदा, उसमें अपन इसको संभालेंगे ठीक है। बट ब्रो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ यार, इतना बड़ा ट्रक है, अपन इसको साइड में ढकेलेंगे कैसे यार? देखते हैं ब्रो, थोड़ा भी बनाते हैं प्लान ठीक है, बिकॉज अपन घर से तो बना के आते नहीं है, मुंह उठा के आ जाते हैं हमेशा की तरह यार, अभी बनाना पड़ेगा प्लान। एंड यहाँ पर देख रहे हो भाई माहौल तो पूरा बना रखा है भाई लोगों ने यार, बहुत बढ़िया। एंड इस तरफ अगर तुम देख रहे हो ब्रो, क्या बात है, ये अंडे नाच रही है। एंड इस तरफ भी ओहो संगीत हो रहा है भाई, संगीत के तो मजे है सर, क्या बात कर दी आपने, क्या तबला या क्या है वैसे ये, मतलब कुछ भी बजा रहे हो आप, थपली बजा रहे हो ठीक है ना, मस्त बजा रहे हो, मजा आ रहा है यार ठीक है। एंड यहाँ पर भाई जनता तो आई हुई है यार ठीक है, इन्हीं लोगों की वजह से अपन भाई सबके सामने मार नहीं सकते इसको, नहीं तो मैं यहाँ पे से काम खत्म कर देता ठीक है। खैर कोई नहीं ब्रो, शायद यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, कोई नहीं भाई अपन वेट करते हैं पहले ठीक है ना रेस होने का, एंड देन अपन स्टार्ट करेंगे रेस को, एंड देन देखते हैं भाई। काम करता हूँ मैं तो, अलाइन कर देता हूँ अपनी जीप को, एंड देन देखते हैं भाई ये लोग अब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ ठीक है रेस स्टार्ट होने के बाद में। मैं तो भाई सबसे आगे खड़ा हो चुका हूँ ठीक है अभी। ओके ब्रो, तो तुम देख रहे हो यार सब लोगों ने लाइनअप कर लिया है। एंड ब्रो क्या सीन दिख रहा है, तुम देखो भाई अल्टीमेट सीन है ब्रो, अपने पीछे जो कार खड़ी है ना इसको अपने को ढकेलना है मॉन्स्टर ट्रक को ठीक है ना। अभी बस थोड़ा टाइम बच रहा है, 8 मिनट बच रहे हैं, 7 मिनट बच रहे हैं भाई स्टार्ट होने में। ओके ब्रो, तो तुम देख सकते हो भाई रेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है ठीक है ना, अभी अपने को जाना है इनके पीछे पीछे। एंड भाई बहुत सही चीज क्या हुई है ना कि ये जो रेसर है ना जो सामने है मेरे, इसी को अपने को मारना है, तो अपन इसके पीछे पीछे रहेंगे ठीक है ना, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। एंड भाई ये क्या कर रहा है, अरे सर रुको तो सर ही आप भाई, यार मैं कह रहा हूँ ना ब्रो अपन इसको कैसे बचे। ओहो क्या बात है भाई, ठोक दिया गया इस आदमी को, बहुत बढ़िया भाई। ओके ब्रो, तुम देख रहे हो भाई, मेरे को नहीं पता बाकी बंदे जाने कहाँ भाग गए भाई, लेकिन ये ना अपने सामने ही है। एंड बिकॉज ब्रो तुम देख रहे हो कितना बड़ा व्हीकल है, इसलिए तेज नहीं भाग पा रहा है ये ठीक है। रुको इसको मैं टक्कर देता हूँ अभी भाई, यही दिक्कत है यार, ये बहुत बड़ा है भाई, इसको खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम देख रहे हो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है ब्रो अपने टक्कर देने से यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन मेरे को। ओहो 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 वेरी गुड भाई, अपन इसको पलट दिया है, मैं जाता हूँ जल्दी से इसको रोकने। रुक 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 रुक, अरे यार कमॉन यार फ्रैंकलिन क्या कर रहे थे, लेट उतरे अपन यार, ये ले वापस से, कब तक भागेगा भाई तू, देखो ठोकूंगा भरो। ओके शायद 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 फंसा है, शायद फंसा है, अभी पकड़ते हैं इसको जल्दी से। और रुक बे, अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मारेगा मारेगा मारेगा, ओ बचा, ओ शिट ब्रो अपन बच गए यार हल्का सा। अच्छा ब्रो एक ही टायर अपने ऊपर गया है, इसकी बारा भाई भागते जा रहा है यार ये बंदा, मतलब मेरे को नहीं पता भाई कैसे कार चला रहा है यार ये भाई, लेकिन इसी गाड़ी कुछ हो नहीं रहा है यार, इतनी बड़ी कार है ना, यही दिक्कत है इस कार की। अभी देखो ब्रो तुम देखे कितनी इजीली यार किसी भी कार के ऊपर से निकल जा रहा है, बट ब्रो कैसे भी कैसे रोकना तो पड़ेगा यार भाई। मैं तो बोल रहा हूँ गोली मारने मजबूर मत कर ठीक है ना, अगर मैंने गोली मार दी ना एक बार खेल खत्म कर दूंगा मैं ब्रो। एक तो भगा पे पता नहीं अचानक से ठीक रहा है यार ये इतनी ज्यादा, मेरे को नहीं लगा था भाई तेज भगाएगा यार ये, पहले मेरे को लगा कि गाड़ी काफी धीरे चल रही है, बट ब्रो शायद आप चला के कर रहा था उस टाइम पर, मजे ले रहा है मेरे। अरे नहीं यार अभी वो कैसे भी करके टक्कर मारूंगा भाई, इस बार ना मैं बहुत तेज टक्कर मारूंगा, बिकॉज मैं फुल स्पीड में हूँ अभी 132-135 पे। अभी टक्कर मारते हैं इसको अपन, ये ले ये घुस 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 अंदर, अबे घुस जा यार, यार क्या आदमी है भाई ये यार, ये देखो भाई ये दिक्कत है मॉन्स्टर ट्रक की भाई, किसी के भी ऊपर से निकल जा रहा है ये, मैं कैसे रुकूं समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना भाई इसको पता लग गया है कि अपना ट्रक है अपन फ्रैंकलिन है ठीक है, इसलिए मैं देख रहा हूँ तुम ये रेस के रूट को फॉलो ही नहीं कर रहा है ब्रो, बिकॉज रेस का जो रूट है ना यहाँ पे है ही नहीं यार, ये शायद लॉस सैंटोस जा रहा है वापस बैलास गैंग के एरिया में, मेरे को तो ये लग रहा है ब्रो। एंड भाई तुम देख रहे हो यार कितना दूर है यार ये भाई, अचानक से पता नहीं क्या नाइट्रो लगाया इसने, एकदम से दूर चला गया भाई, दिख भी नहीं रहा ढंग से यार। एंड यार ये आदमी सच्ची में मेरे को दिख नहीं रहा है ना यार, पता नहीं कहाँ पर है भाई, कितना दूर है, वो देख रहे हो भाई ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा है यार, वो जल्दी से चलते हैं अपन उसके पीछे ठीक है। Moments later. ये देख रहे हो भाई, मैंने कहा था ना तुमको ब्रो ये जाएगा जरूर बैलास गैंग के एरिया में भाई, वहीं जा रहा है ये आदमी ठीक है। एंड ब्रो अब तुम बताओ मैं क्या करूँ यार, मतलब पीटने की इच्छा तो भाई दिल से होती है हमेशा, कभी भी तुम लेके आ जाओ मेरे सामने बैलास गैंग वालों को, पीटने की इच्छा हमेशा रहती है, तो भाई अब इच्छा रहती है तो इच्छा पूरी भी करनी चाहिए, तो पीट देते हैं ब्रो। ये लो बैलास गैंग आए मजे। ओके भाई तो ये आ चुके हैं फाइनली ठीक है ना अपने से लड़ने है भाई, बहुत दिन हो गए थे लड़े हुए। एक काम करता हूँ मैं अपनी जीप को ना यहीं कहीं पार्क करता हूँ, आराम से लड़ेंगे भाई अभी इनसे अपन,
कम ऑन। ओके पहले कवर लेते हैं यहाँ पे, मस्त वाली गोली निकालता हूँ ठीक है ना मैं। अब आओ भाई तुम, बहुत दिन हो गए भाई तुमको मारा नहीं मैंने यार, जब से याद आ रही थी भाई। कैसे क्यों करते हो तुम मेरे साथ यार, रेगुलर आया करो ना यार, रेगुलर कस्टमर हो भाई तुम मेरे। एक एक बॉम्ब खाते जाओ भाई, इतना कम दिमाग है, कोई आएगा नहीं अंदर, मैं जानता हूँ उनको भाई अच्छे से ठीक है। अब मैं फेंकूंगा अपना फेवरेट आग की बोतल ठीक है ना, आग की बोतल में भाई भस्म कर दूंगा मैं इनको। ओके एंड किधर हो? अरे सर इधर देखो मैं यहाँ पे हूँ यार। तो काफी हद तक मैंने क्लियर कर दिया ठीक है मामला पूरा का पूरा, अभी सर से चलता हूँ मैं भाई। बैलेंस गैंग है ना, मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं यार ये लोग। तीन बच रहे हैं भाई केवल केवल, ये रहा एक तो। अरे सर किधर किधर किधर, एंड दो किधर है, एक तो ये रहा ओके एंड एक ये रहा। देखा भाई कितना सिंपल है इनको मारना यार। एंड इसके अंदर कोई बंदा बैठा है क्या? ओके ब्रो तो इसके अंदर वाला शायद यही बंदा था, इसको मार दिया अपन ने। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना ब्रो, उससे पहले पुलिस आती है मैं निकल रहा हूँ वहाँ से ठीक है ना। एंड मैंने चाहता भाई बैलेंस गैंग वालों से और भी ज्यादा लड़ाई करूँ, बट एक काम अपन कर सकते हैं वो है ये वाला, हर जगह आग लगाओ अभियान ठीक है ना। तुम्हारा भी फेवरेट है भाई, मेरा भी फेवरेट है। एंड तुम्हें क्या मजाक लग रहा है इधर? ए फायर ब्रिगेड इधर नहीं आना, भाग जाए ऐसे चुपचाप, चल चल निकल भाई, इधर आ रहा है इनके आग बुझाने, ऐसा मारूंगा ना ब्रो। तो देखो मैं नहीं चाहता भाई अभी और भी ज्यादा लड़ना ठीक है ना, बैलेंस गैंग वालों से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके मैं जा रहा हूँ भाई बुल्ला के पास में इस कार को लेकर के, बिकॉज उन्होंने वायलेट कलर करा दिया भाई अपनी इस मॉन्स्टर ट्रक पर, तुम देख रहे हो। एंड फाइनली ब्रो अपना मॉन्स्टर ट्रक आ गया है यार, मजा आ गया ना, बोल रहा था ना भाई मजा आएगा आज यार। तो अपना फाइनली अपना मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है, एंड इसको भी लेके जाना है बुल्ला के पास में, वापस से पुराना ब्लू कलर इसको पे करवाऊंगा मैं ठीक है, ताकि ब्रो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी अपनी। एंड अंदर से देखो भाई ये रहा अपना मॉन्स्टर ट्रक यार, बहुत ही बढ़िया। चलो ब्रो तो बस ब्रो और यही कुछ आज का वीडियो था। एंड ये देखो भाई यही तो पुरानी यादें है अपनी गाड़ी के ऊपर चलाना ठीक है ना। तो बस यही कुछ आज का वीडियो था, आई होप दैट यू लाइक इट ब्रो। इंस्टा पे जाकर मेरे को फॉलो करो, वहां पे जाकर वोट करो कि अगली वीडियो में अपन कौन सी कार लें। मैंने तो ऑप्शन दे रखे हैं ठीक है ब्रो, दोनों अल्टीमेट कार है। अभी क्या अभी जाकर वोट करो फॉलो करो ठीक है। खत्म करते हैं इस वीडियो को यार, #gamer।